नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, एवाक्स एमके सेकंड कार्यक्रम उड़ान भरने के लिए तैयार है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने रोटोडोम एवाक्स की योजना छोड़ दी है। दोस्तों, एवाक्स एमके सेकंड कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के लिए 6 नए एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एवाक्स विमान विकसित करना है। दोस्तों, अगले साल DRDO के A319 अनुसंधान फ्लाइट टेस्ट बेड विमान पर सेंसर परीक्षण शुरू करने के लिए तैयार है। 2025 में इस परियोजनाओं को और गति मिलने की उम्मीद है। 2026 तक पहला विमान आसमान में ले जाने की उम्मीद है। एयर इंडिया के बेड़े से प्राप्त A319 और A321 वेरिएंट का लाभ उठाते हुए कार्यक्रम भारत की हवाई निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। दोस्तों, एवाक्स एमके सेकंड कार्यक्रम का प्रारंभिक चरण DRDO के A319 अनुसंधान फ्लाइट टेस्ट बेड विमान पर सेंसर परीक्षण करने पर केंद्रित होगा, जो एडवांस प्रणालियों के लिए परीक्षण स्थल के रूप में काम करेगा। सफल परीक्षणों के बाद DRDO कार्यक्रम के लिए अधिग्रहित 6 यात्री विमानों के संशोधन के लिए बोलियां मांगने के लिए एक अनुरोध प्रस्ताव मतलब RFI जारी करेगा। एयरबस मूल उपकरण निर्माता OEM विमान संशोधन और इंटीग्रेशन में अपनी विशेषज्ञता को देखते हुए वर्तमान अनुबंध को सुरक्षित करने की दौड़ में सबसे आगे हैं। दोस्तों, एवाक्स एमके सेकंड कार्यक्रम के लिए आवंटित 11,000 करोड़ रुपए के बजट में से एक महत्वपूर्ण हिस्सा अत्याधुनिक सेंसर सिस्टम के संशोधन और स्थापना के लिए समर्पित किया जाएगा। यह कार्यक्रम देश के मौजूदा नेत्रा एवाक्स विमानों की एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका लक्ष्य नए एवाक्स एमके सेकंड को बड़े और अधिक परिष्कृत रेडार और सेंसर सूट से लैस करना है, जिससे दूरदर्शी उत्तम ऐसा रेडार भी शामिल है जो कवरेज और पहचान क्षमताओं को बढ़ाता है। दोस्तों, वर्तमान में इंडियन एयरफोर्स इल्यूशन 76 परिवहन विमान पर 3 इजरायली फाल्कन एवाक्स और एम्ब्रेयर प्लेटफार्म पर 3 स्वदेशी नेत्रा एवाक्स विमान संचालित करता है। 6 A321 आधारित एवाक्स एमके सेकंड विमानों को शामिल करने से इसी प्रकार के 3 और विमानों की संभावना के साथ भारत के हवाई निगरानी बेड़े में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। दोस्तों, विशेष रूप से A32 आधारित एवाक्स एमके सेकंड को आगे बढ़ाने का निर्णय इंडियन एयरफोर्स और DRDO द्वारा A330 आधारित 360 डिग्री कवरेज रोटोडोम एवाक्स विकसित करने की योजना को छोड़ने के बाद किया गया था। इस बदलाव का प्राथमिक कारण A330 आधारित प्रणाली की उच्च इकाई लागत थी, जिसके प्रति यूनिट लागत 4,500 करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान लगाया गया था, जिससे यह A321 एवाक्स एमके सेकंड से लगभग दोगुना महंगा हो गया है। दोस्तों, इसलिए A321 एरोप्लेन या एयरक्राफ्ट को चुना गया, क्योंकि इसकी लागत कम है। दोस्तों, एवाक्स एमके सेकंड कार्यक्रम भारत की वायुसेना क्षमताओं को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है, जो सिचुएशनल अवेयरनेस मतलब स्थितिजन्य जागरूकता और प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एडवांस प्रारंभिक चेतावनी और कंट्रोल सिस्टम प्रदान करता है। जैसा कि भारत रक्षा क्षेत्र सीमाओं को आगे बढ़ाने और नवचार करने में लगा हुआ है, एयरबस जैसे प्रतिष्ठित OEM के साथ सहयोग देश स्वदेशी रक्षा विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करेगा। दोस्तों, जिन 6 पैसेंजर व्हीकल मतलब पैसेंजर एयरक्राफ्ट के लिए सूचना के लिए अनुरोध मतलब RFI जारी कर रखी है, वो दोस्तों अब A321 है। जी हाँ दोस्तों, ये एयरबस कंपनी का बना हुआ एयरक्राफ्ट है, जो भारतीय एयरलाइंस इसको बखूबी यूज़ करती है, और दोस्तों भारतीय एयरलाइंस द्वारा यूज़ किया हुआ एयरलाइंस ही खरीदा जाएगा। दोस्तों, एयरबस A330 आधारित एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम एवाक्स कार्यक्रम को समाप्त कर दिया है, और अब A321 आधारित नेत्रा MK2 एवाक्स का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। एवाक्स हवाई जहाज, जिनमें एयरफ्रेम के शीर्ष पर एक बड़ा राडार डिश लगा होता है, यह हवाई जहाज को अपनी उच्च शक्ति वाले रेडार के साथ भारतीय वायुसेना के लिए आसमान में आंखों की तरह काम करते हैं। दोस्तों, यह हवाई चेतावनी प्रणालियों जमीन पर लगे हुए रेडार की तुलना में अधिक सक्षम है, क्योंकि भूमि आधारित रेडार की पृथ्वी की वक्रता की भौतिक सीमाएं और उनके दृश्य क्षेत्रों को सीमित करती हैं। आसमान में ऊंची उड़ान भरने वाला एवाक्स सब कुछ देख सकता है, और इसमें यह प्रतिबंध नहीं है। दोस्तों, इसमें भारतीय वायुसेना के पास 5 एवाक्स हैं, जो कि बहुत कम है। दोस्तों, इतने से अधिक तो पाकिस्तान के पास है। भारतीय वायुसेना के पास लगभग 15 एवाक्स होने चाहिए। दोस्तों, 3 इजरायली फाल्कन सिस्टम रूसी IL-70 परिवहन विमान पर लगाए गए हैं, और 2 DRDO विकसित नेत्रा एमके सेकंड ब्राजीलाई एम्ब्रेयर ERJ-145 प्लेटफार्म पर लगाए गए हैं। दोस्तों, एक और नेत्रा MK-1 और नेत्रा MK-2 एवाक्स के आगे के विकास के लिए परीक्षण
बिस्तर के रूप में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के साथ सेवा में है। दोस्तों 2015 में भारतीय रक्षा मंत्रालय ने एवॉक्स में संशोधन के लिए एयरबस से 2 A330 वाइल्ड बॉडी एयरलाइनर खरीदने के लिए $818 मिलियन की योजना को मंजूरी दी थी। दोस्तों ये उम्मीद की गई थी कि इस A330 आधारित एवॉक्स में एक गोलाकार आकार का रोडोम होगा जो अमेरिकी E3 सेंट्रिक एयरबोर्न प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के साथ समान होगा, सिवाय इसके कि रोडोम 3 उन्नत सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन किए गए सरणी एंटीना से बना होगा। प्रत्येक 120 डिग्री के दृश्य क्षेत्र को देखने में सक्षम होगा। ये तीन एंटीना मॉडल जब एक साथ जुड़ते हैं तो एवॉक्स को 360 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू क्षमता प्रदान करते हैं। दोस्तों योजना को अब नैरो बॉडी A321 एयरलाइन आधारित नेत्रा MK2 सिस्टम पर आधारित एक अन्य एवॉक्स के लिए स्थगित कर दिया गया है। ठीक 2 साल पहले दिसंबर 2020 में रक्षा मंत्रालय ने एवॉक्स में रूपांतरण के लिए पूर्ववर्ती सरकार के स्वामित्व वाली एयर इंडिया के 6 A321 एयरलाइनों को भारतीय वायुसेना में स्थानांतरित करने की योजना को मंजूरी दी थी। दोस्तों कार्यक्रम जहां इन A321 को संशोधित के लिए फ्रांस में एयरबस सुविधा में भेजा जाएगा की लागत 10,500 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया था। इन संशोधित A321 में नेत्रा MK1 रेडार का एक उन्नत संस्करण होगा जिसे नेत्रा MK2 कहा जाएगा, जिसकी रेंज अधिक होगी और उम्मीद है कि देखने का क्षेत्र पहले के नेत्रा MK1 की तुलना में 240 डिग्री से अधिक होगा। दोस्तों अभी जो नेत्रा MK1 है उससे हम केवल 240 डिग्री ही देख सकते हैं व्यू। DRDO द्वारा एयर इंडिया में हासिल किए गए 6 A321 विमानों में से 2 को सिंगल इंटेलिजेंट संचार जेमिंग या सिंगल सक्षम विमान में विकास के लिए परिवर्तित किया जाएगा। दोस्तों इसके अतिरिक्त उनमें से एक को भविष्य की इलेक्ट्रॉनिक खुफिया और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध टेक्नोलॉजी और सेंसर के विकास के लिए हवाई लेबोरेटरी सह परीक्षण में परिवर्तित कर दिया गया है, जिसे अनुसंधान कहा जाता है। दोस्तों आपको संक्षेप में बता देता हूँ एवॉक्स विमान क्या होते हैं। वह विमान जिसमें दोस्तों राडार लगा हुआ होता है और वो एनिमी से आने वाले खतरों को सावधानी पूर्वक बताता है, उस विमान को दोस्तों एवॉक्स कहते हैं। और दोस्तों ये जमीनी तुलना में जो लगे हुए राडार होते हैं उनसे बहुत अधिक शक्तिशाली होते हैं। उसका कारण यह है कि जमीन पर लगा हुआ राडार के बहुत ऊंचाई पर होने के बावजूद भी उसके आड़ बहुत चीज़ें आती है, उसकी वजह से वो पूरा व्यू नहीं देख पाता है। जबकि अगर हम किसी भी चीज़ को ऊपर से देखते हैं तो वो आसानी से मगर छोटी भी दिखाई दे जाती है और बड़ा सारा एरिया दूरी से या ऊंचाई से कैच किया जा सकता है। जिस प्रकार दोस्तों हम चंद्रमा को पृथ्वी से देखते हैं तो वो एक गोलनुमा आकृति के समान दिखाई देता है, पर वो इतना छोटा है नहीं, पर वो आराम से दिखाई दे देता है। इसी कारण दोस्तों जो एवॉक्स विमान में राडार लगे होते हैं वो बहुत ही ताकतवर और दमदार होते हैं, और अगर कहीं पर भी हमला भी करना होता है तो एक एवॉक्स विमान साथ में चलता है ताकि अगर एयरक्राफ्ट का राडार को भी पता ना चले क्या आगे से एनिमी का कोई खतरा आ रहा है या मिसाइल आ रही है, तो दोस्तों ये एवॉक्स विमान सबको सूचित कर देता है और ये सभी जो एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं उनके कंट्रोल रूम की तरह कार्य करता है। दोस्तों इससे पहले हमने नेत्रा एवॉक्स पर काम किया था जो 240 डिग्री तक हम वो कवरेज देख सकते थे, पर जो दोस्तों गोलाकार होता है रोटोडोम वो 360 डिग्री कवरेज एरिया को देख सकता है, तो भारत को इस तरह के एवॉक्स की आवश्यकता थी, इसलिए भारत ने पहले A330 वाइल्ड बॉडी पैसेंजर विमान को चुना। पर दोस्तों उसकी ऑपरेशनल लागत बहुत अधिक होने के कारण उसको समाप्त करके फिर दोस्तों एयरबस के ही A321 को चुना गया एवॉक्स के लिए। तो दोस्तों उस पर अब रोटोडोम एवॉक्स फिट किया जाएगा या 240 डिग्री से अधिक, 300 डिग्री हो सकता है, 320 डिग्री हो सकता है, मतलब 240 डिग्री से तो अधिक होगा एवॉक्स MK2। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा पूरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमारा मनोबल बढ़ाएं। जय हिंद दोस्तों।